कि वर्कर कितने टाइप के होते हैं. वर्कर आर ऑफ मेनली टू टाइप्स, सेल्फ एम्प्लॉयड वर्कर एंड हायर्ड वर्कर्स. हायर्ड वर्कर के फर्दर दो क्लासिफिकेशन है, कैजुअल वर्कर्स एंड रेगुलर वर्कर्स. सेल्फ एम्प्लॉयड वर्कर्स कौन से होते हैं? सेल्फ एम्प्लॉयड वर्कर्स वो वर्कर्स होते हैं, दीज आर दोज वर्कर्स हु आर एंगेज इन देयर ऑन बिजनेस और प्रोफेशन. वो खुद के बिजनेस या प्रोफेशन के अंदर एंगेज होते हैं. ठीक है बच्चों, ये जो भी अर्न करते हैं ये उनका रिवॉर्ड होता है. डन. बट हायर्ड वर्कर्स वो वर्कर्स होते हैं जो अपने लिए नहीं दूसरों के लिए काम करते हैं, अपनी सर्विसेज रेंडर करते हैं और इन रिटर्न उनको क्या मिलता है? उनको वेजेस या सैलरी मिलती है और वो उनका वहां पर रिवॉर्ड बन जाता है. ठीक है, अगर मैं बात करूं ऊपर वाले एग्जाम्पल की, सेल्फ एम्प्लॉयड वर्कर की, तो लाइक फार्मर वर्किंग इन ए फार्म. एक फार्मर है, एग्जाम्पल ले रहे हैं हम इसका. और एन एंटरप्रेन्योर वर्किंग इन हिज फैक्ट्री, तो वो क्या है? सेल्फ एम्प्लॉयड. बट अगर हम बात करते हैं हार्ड वर्कर की, तो यहां पर हमारे पास बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, टीचर वर्किंग इन ए स्कूल. ठीक है, और कोई भी बंदा जो सर्विसेज दे रहा है, जो सुबह जाता है अपने जॉब पे, हम कहते हैं ना जॉब लेने, जॉब पे जाता है, इस टाइम जाता है, इस टाइम आता है, तो वो सारे के सारे हायर्ड वर्कर्स हैं. ठीक है, अब बात आती है, हायर्ड वर्कर दो टाइप के हैं, कैजुअल वर्कर एंड रेगुलर वर्कर. कैजुअल का मतलब क्या हुआ? कैजुअल वर्कर्स वो वर्कर्स होते हैं जो डेली वेजर्स होते हैं, जो क्या है? डेली वेजर्स, दिहाड़ी पे लगे होते हैं. ये रेगुलर बेसिस पे हायर्ड नहीं होते, इनको सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स भी नहीं मिलते, कोई पेंशन नहीं होती, इनकी ग्रेच्युटी नहीं होती, कोई प्रोविडेंट फंड नहीं होता. ठीक है, और जनरली इस टाइप के जो वर्कर्स होते हैं, जनरली वो अनस्किल्ड वर्कर्स होते हैं. ठीक है, जैसे मजदूर है, वो खड़ा हुआ है कि सुबह आइए मुझे हायर करिए, वो कैजुअल वर्कर है, वो डेली वेजर है, जितना कमाता है उसके बेसिस पे रात को सामान लेता है और उसी दिन वो अपना खाना चलाता है. ठीक है, ऐसा नहीं है कि वो पहले से एक महीने का राशन लेके रख देता है, वो जो कमाता है उसके बेसिस पे वो खरीदता है और उसको पकाता है और खाता है. डन. तो ये कैजुअल वर्कर्स हैं. रेगुलर वर्कर्स कौन से होते हैं? जो कंपनी के पेरोल्स पे होते हैं, रेगुलर बेसिस पे हायर किए जाते हैं, उनको सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स भी मिलते हैं, प्रोविडेंट फंड, ग्रेच्युटी, वो सब के अंदर वो हकदार होता है, और जनरली ये स्किल्ड वर्कर्स होते हैं. ठीक है, तो ये हमारे हायर्ड के दो टाइप्स थे.